पत्रकार विकास परिषद ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत निकाली भव्य तिरंगा यात्रा। पत्रकारों के हितों की रक्षा एवं उनके अधिकारों की लड़ाई में सदैव अग्रणी रहने वाले पत्रकारों के संगठन पत्रकार विकास परिषद के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष अरविंद द्विवेदी के नेतृत्व में विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान 13 अगस्त से 15 अगस्त 2022 तक चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में पत्रकार विकास परिषद की अगुवाई में हमारे शहडोल शहर में एक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसके तहत हर घर तिरंगा अभियान की अपील व लोगों को तिरंगा झंडा लगाए जाने हेतु प्रेरित किया गया, ताकि जिलेवासी 13 से 15 अगस्त तक चलाए जा रहे हर घर तिरंगा अभियान में अपनी सहभागिता निभा सकें। रैली शहडोल कलेक्ट्रेट से प्रारंभ होकर गांधी चौक से पुढ़ार चौराहा होते हुए दरभंगा चौक, रेलवे स्टेशन परमर चौराहा से शेर चौक, गांधी चौक में गांधी जी की प्रतिमा में माल्यार्पण कर पुनः कलेक्टर परिसर में तिरंगा यात्रा का समापन किया गया। शहर के मुख्य मार्ग से होते हुए पूरे शहर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान ये रहे शामिल संभागीय अध्यक्ष वरिष्ठ पत्रकार गोपाल दास बंसल, वीरेंद्र प्रताप सिंह, सौरभ तिवारी, नीरज शर्मा, रजनीश शर्मा, क्रिस्टी अब्राहम, रावेंद्र मिश्रा, शैलेंद्र मिश्रा, विश्वभूषण पांडे, गणेश केवट, संजीव निगम, अभिषेक, विष्णु प्रताप सिंह, हसन खान, जुनैद खान, शकील खान, गणेश केवट, दुर्गेश द्विवेदी, नरेश वर्मा, शैलेंद्र मिश्रा, सुरेंद्र नामदेव, सूर्य प्रताप सिंह, अंकित दुबे, एडवोकेट सुखदीप खरे, राहुल नामदेव, दीपक केवट, अजय केवट एवं संभाग व जिले के सभी पदाधिकारी रैली में शामिल हुए। अरविंद द्विवेदी जी का क्या कहना है, हमारा पूरा भारत देश देशभक्ति के रंग में शराबोर है। हर घर तिरंगा अभियान अविरल गति से चल रहा है। हमारे संगठन द्वारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के सम्मान में एक बाइक रैली निकालकर देशभक्ति और एकता दिखाने का एक बहुत ही छोटा प्रयास किया गया है। इस रैली की खूबसूरती देखते ही बनता था। जैसे ही पत्रकारों की रैली कलेक्ट्रेट शहडोल से निकली, उसके साथ शहर के कई युवा साथी भी जुड़ गए। यह हमारे देश प्रदेश की विविधता है व जिले की सुंदरता है। जब हम देश हित के लिए और विशेषकर जब तिरंगा झंडा के लिए रैली निकालते हैं तो अपने आप ही लोग जुड़ जाते हैं। जैसे ही पत्रकारों की रैली निकली, लोग जुड़ते गए और यह एक भव्य और विशाल रूप धारण कर लिया। यह हमारे देश प्रदेश की खूबसूरती ही है। इसे ही देशभक्ति कहा जाता है।